मालेगाव काढा किंवा मनसुरा काढा, एकेकाळी कोरोनाने थैमान घातलेल्या मालेगाव मध्ये हेच नाव सर्वत्र कानी पडत होतं. इथल्या मनसुरा हॉस्पिटलने बनवलेला हा युनानी काढा कोरोना विषाणूला परतवून लावतो अशी सर्वत्र चर्चा होती. देखिए ये यूनानी फार्मूला है और इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं, नौ दवाएं इसमें शामिल हैं. ये इनका खास काम जो है सर्दी, बुखार, नज़ला, खांसी, इन पर ये काम करती है दवाएं. और जब स्वाइन फ्लू आया तो उसमें भी एक थोड़ी तब्दीली के बाद यही फार्मूला इस्तेमाल किया, लोगों को फ़ायदा हुआ. और उसी चीज़ ने हमारी टीम को कहा कि चलो इसी फार्मूले को हम कोविड पर इस्तेमाल करते हैं. तो ये कंटिन्यूस मतलब एक अच्छा फार्मूला है और इसका इफेक्ट लोगों ने देखा. हमने जिस उम्मीद से लोगों को दिया, उम्मीद से बढ़कर हमारे पास नतीजे सामने आए. बघता बघता मालेगाव सह आसपासच्या भागात हा काढा व्हायरल झाला. सुरुवातीला मनसुरा हॉस्पिटलने तो मोफत वाटल्यामुळे दूरवरून लोक हा काढा घ्यायला गर्दी करू लागले. यात 9 वनौषधी समसमान प्रमाणात घेऊन त्यांचं बारीक मिश्रण केलं जातं. हे मिश्रण पाण्यात 5 ते 7 मिनिटं उकळल्यानंतर हा काढा तयार होतो. और इस पाउडर का 6 ग्राम का डोस, सारी दवाइयाँ इक्वल क्वांटिटी में लिया हमने, 6 ग्राम इसके उस पाउडर को लिया और उसको 100 ml पानी में बॉईल किया 5 से 10 मिनट तक. छानने के बाद में वो पानी को हमको पीना है गर्म गर्म, और जो बचा हुआ है उसमें फिर 100 ml पानी डाल देना है और शाम में फिर उसको उबाल के हम पी सकते हैं. इस तरह से 6 ग्राम दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है. हम 50 ग्राम का पैकेट देते हैं जो नियर अबाउट 8 दिनों के लिए सफिशिएंट होता है. सुरुवातीला हा काढा मोफत दिल्यामुळे त्याची मागणी वाढली. नंतर निर्मिती आणि प्रक्रियेत मर्यादा येत असल्याचं सांगत मनसुरा हॉस्पिटलने 20 रुपयांना एक छोटं पाकिट विकायला सुरुवात केली. पण मागणी प्रचंड वाढल्यामुळे मालेगावात अनेक युनानी डॉक्टरांनी असाच काढा मनसुरा काढाच्या नावाने विकायला सुरुवात केली. त्याचे अनेकांवर परिणाम झाले आणि दुष्परिणामही. ये चीज लोगों को पसंद आई है तो फेक बनाने वाले बहुत आ गए. एक काढा जो मालेगाव के नाम से बहुत मशहूर है जिसमें दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह है, इस तरह के गर्म मसाले डाले जा रहे हैं और गुड़ के साथ उसकी चाय बनाई जा रही है. दैट इज़ नॉट आवर फार्मूला एक्चुअली. वो महज मनसुरा काढ़ा के ब्रांड को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने ये साजिश की. और जाहिर बात हो इतनी गर्म दवाएँ हैं जिसकी वजह से ये पेचिश होना, पायल्स होना, ये सारी शिकायतें आएगी आएंगी. पण ज्या कोविड-19 रोगामुळे हा काढा चर्चेत आला त्या रोगावर हा काढा खरंच परिणामकारक ठरतोय का? मनसुरा हॉस्पिटलचं म्हणणं आहे की आमचा तसा दावा नाही, मात्र हो या उपचारामुळे मालेगावचे कोरोनाग्रस्तांचे आकडे कमी करण्यात मदत झाली असं ते सांगतात. कोविड में हम कहां काम कर सकते हैं, इस चीज़ को हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं. और हमने फिर इसको हमारे यहाँ की OPD के पेशेंट में ट्रायल लेना शुरू किया. बाद में धीरे धीरे गाइडलाइन आई कि आप नहीं दे सकते कोविड मेडिसिन, तो हमने इसको कोविड के पेशेंट में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एज ए प्रोफाइलेक्सिस हमने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है. दरअसल ये कोविड के लिए नहीं है, हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये कोविड का इलाज है. ये एक इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफियत को ये बढ़ाता है. जैसे ही मर्ज शुरू हुआ ऐसा खौफ और दहशत का माहौल था कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अपने दवाखाने छोड़कर अपने घरों में बंद हो गए थे और लोग अपने रोज़मर्रा की बीमारियों के लिए परेशान थे. ऐसे में BUMS डॉक्टरों ने, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तिबिया कॉलेज से तकरीबन 350 डॉक्टर्स शहर की गली गली मौजूद हैं, इन्होंने महाज को संभाला. ये सामने आए और इन्होंने इब्तदाई मरीज़ों का भरपूर इलाज किया, सर्दी ज़ुकाम इसका. और फ़ायदा ये हुआ कि मर्ज का की जो रफ्तार थी बढ़ने की वो थम सी गई. मालेगावमध्ये रुग्णसंख्या वाढत असताना कोविड-19 रोखण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना करण्यात आल्या, परिणामी आकडेही कमी झाले. पण शासन दरबारी या काढ्याची दखल कुठेही घेतली गेलेली नाही असं आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी BBC मराठीला सांगितलंय. पण मालेगाव काढा बनवणाऱ्या ट्रस्टचा आता प्रयत्न आहे की या काढ्याचा कोरोनाग्रस्तांवर अधिकृतरित्या वापर केला जावा. ये बात जरूर कहूंगा की हमारे अपने देश की बेतिया कहीं कम नहीं है. सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बड़े बड़े हमारे वैद्यों ने, हमारे हकीमों ने बड़े बड़े काम किए हैं, इनको थोड़ी सी तवज्जो मिले तो ये मालूम है कहाँ से कहाँ चली जाएं. मालेगाव हून प्रवीण ठाकरे यांचा रिपोर्ट.